हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूनम और पूनम्स किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बना रही हूं गुजराती कुजीन का बहुत ही पॉपुलर फूड मेथी थेपला। ये बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं और गरम गरम खाएं तो टेस्टी तो लगते ही हैं, जब ठंडे हो जाते हैं तो और भी ज़्यादा स्वाद लगते हैं। देख रहे हैं कितने सॉफ्ट हैं ये थेपले, बहुत ही आराम से मैं इन्हें हाथ में दबा भी पा रही हूँ, फोल्ड भी कर पा रही हूँ, रोल कर पा रही हूँ। सुपर सॉफ्ट थेपले बच्चों के लंच बॉक्स में भेजने के लिए या ऑफिस में ले जाने के लिए परफेक्ट है। ये इनकी शेल्फ लाइफ भी काफ़ी होती है, जल्दी ख़राब नहीं होते। इन्हीं सब रीजंस की वजह से ट्रैवल पर ले जाने के लिए काफ़ी रेकमेंड किए जाते हैं। वीडियो में मैं शेयर करूंगी ये ढेरों टिप्स, किस तरह से आटा तैयार करना है और कैसा फ्राई करना है, कैसा बेलना है और स्टोर कैसे करना है, किस तरह से इन्हें 2 से 3 महीने तक के लिए स्टोर किया जा सकता है और ट्रैवल पर ले जाने के लिए, सफ़र पर ले जाने के लिए मैं आपके साथ बहुत ही यूनिक टिप शेयर करने वाली हूँ जो कि आज तक आपको कभी किसी ने नहीं बताई होगी। वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर ज़रूर देखिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक पूनम्स किचन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन याद से क्लिक करें ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिलें। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इसका आटा कैसे तैयार करना है। यहाँ एक बोल में मैं डालूंगी 1 कप अच्छी तरह से धुली हुई और कटी हुई मेथी। मेथी का अपना फ्लेवर थोड़ा सा कड़वेपन में होता है, बिटर होती है मेथी। आपकी अपनी चॉइस के हिसाब से आप इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं ये क्वांटिटी ले रही हूँ 1 कप गेहूं के आटे के लिए, जिससे बनेंगे लगभग 10 से 12 थेपले। अगर आपने आज तक कभी कुकिंग में मेथी इस्तेमाल नहीं करी है तो एक अलग वीडियो है जिसमें मेथी को कैसे चुनना है, धोना है, काटना है, वह सब मैंने शेयर किया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। डालेंगे मसाले। सबसे पहले तो 1 छोटे चम्मच से थोड़ा सा कम नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालें। लाल मिर्च पाउडर में डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच। हल्दी पाउडर डालूंगी 1/2 छोटे चम्मच से थोड़ा सा कम। 1/3 छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर, बहुत थोड़ी सी हींग, ऑलमोस्ट 1/6 टीस्पून। 1/4 छोटा चम्मच अजवाइन। इसे अपनी हथेलियों के बीच में इस तरह से मसल कर डालेंगे ताकि फ्लेवर्स अच्छी तरह से निकल कर आएँ। इसमें मैं डालूंगी 1 छोटा चम्मच तिल। अब वैसे तो तिल ऑप्शनल हैं लेकिन मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी, फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है और सर्दियों में तो तिल वैसे ही बहुत हेल्दी होते हैं। और तिल की बात करें तो साथ में गुड़ ज़रूर याद में आता है। गुड़ मैं डालने लगी हूँ लगभग 2 छोटे चम्मच जितना, कद्दूकस करके डाल रही हूँ ताकि आराम से आटे में गूंदा जा सके। गुड़ से थोड़ा सा मेथी की कड़वाहट भी बैलेंस हो जाती है, तो बहुत बैलेंस्ड फ्लेवर्स आते हैं थेपला में। अब वैसे अगर आप चाहें तो आप बेशक गुड़ ना डालें। जो चीज़ ज़रूर डालनी है वह है ऑयल। मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच ऑयल। आटे में मोइन डालना बहुत ज़रूरी है, तभी थेपला सॉफ्ट बनेगा। और सॉफ्टनेस के लिए ही साथ में मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच गाढ़ा दही, घर का जमा हुआ दही है। ध्यान दें, मैंने इसमें अभी आटा नहीं मिलाया है। इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और फिर ढककर छोड़ दूंगी 10 मिनट के लिए। सिर्फ 10 मिनट्स का इसे रेस्ट देना है। इसका फ़ायदा हमें क्या होगा ये मैं आपको अभी आटा गूंथते टाइम दिखाती हूँ। अब 10 मिनट के बाद देखें तो वही मिक्स काफ़ी गीला गीला सा हो चुका है, नमक डला होने की वजह से मेथी ने पानी छोड़ दिया है और तेल और दही भी डला हुआ है, तो इस कारण से मेथी हो गई है बहुत ही सॉफ्ट। इससे थेपले का स्वाद तो बढ़िया हो ही जाएगा, साथ में वे सॉफ्ट भी ज़्यादा बनेंगे। अब मैं इस मिक्स में आटा गूंदूंगी। सबसे पहले तो मैं डालूंगी 2 बड़े चम्मच बेसन। बेसन डालना ऑप्शनल है। और साथ ही मैं डाल दूंगी 1 कप गेहूँ का आटा। अगर आप थेपला लंबे समय के लिए स्टोर करना चाहते हैं तो इन्ग्रीडियंट्स में थोड़ा सा चेंज होगा जो कि मैं आपको आगे वीडियो में बताती हूँ। अभी सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, अभी इसे गूंद नहीं रहे। बस ये ध्यान रखना है कि मेथी और मसाले सारे ही आटे में बराबर बट जाए। ये देखिए मैं किस तरह से मेथी मसाले को और आटे को उंगलियों के बीच में मसल रही हूँ ताकि इवन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, और ऐसा करने से मेथी और भी सॉफ्ट होती जाती है। अब इसे मैं गूंदूंगी हल्के गुनगुने पानी से। पानी बहुत थोड़ा सा ही चाहिए होगा तो थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, 1-1 बड़ा चम्मच करके डाल रही हूँ, साथ साथ गूंथती जाऊँगी। इसका डो बनाऊँगी मैं मीडियम सॉफ्ट, ना बहुत ज़्यादा नरम और ना ही बहुत ज़्यादा सख्त, और अच्छी तरह से गूंदने में लगभग 4 से 5 मिनट लग जाएंगे। अभी देखिए मैंने ये कंसिस्टेंसी रखी है डो की, मीडियम सॉफ्ट। इसमें क्योंकि बेसन डला हुआ है इस वजह से डो थोड़ा सा स्टिकी होगा, अगर आप बिना बेसन का बना रहे हैं तो बिल्कुल भी स्टिकी नहीं रहेगा। मैं हाथ पर थोड़ा सा तेल लगाकर आटे को थोड़ा सा और मसल लूँगी। इस आटे को अभी मैं रेस्ट करने के लिए छोड़ दूंगी 1/2 घंटे के लिए। 1/2 घंटा रेस्ट करने के बाद हमारा डो है तैयार। क्लोजअप में इसकी कंसिस्टेंसी भी देख लीजिए, बिल्कुल परफेक्ट है थेपला के लिए। मैं हाथ पर थोड़ा सा तेल लेकर आटे को फिर से हल्का सा मसल लूंगी और फिर डिवाइड कर दूंगी बराबर हिस्सों में।
यहाँ मैंने देखिए 10 बराबर हिस्सों में बांट दिया है, आपकी अपनी चॉइस है। इतने आटे से आराम से 10 से 12 13 थेपले बनाए जा सकते हैं, डिपेंड करता है आपको क्या साइज पसंद आता है, और बेलने के लिए इस तरह की स्मूथ बॉल्स बनाकर रेडी कर लेंगे। बाकी के पेड़ों को भी मैं ढककर साइड में रख रही हूँ ताकि ये हवा से सूखे नहीं, और ये जो बॉल है इसे सूखे आटे में लपेटूंगी और बेल लूंगी। जैसे ज़रूरत लगती है इसे सूखे आटे में बीच बीच में लपेटते रहेंगे। मैंने क्योंकि आटे में बेसन मिलाया हुआ है उस वजह से वह थोड़ा सा स्टिकी रहता है और सूखा आटा ज़्यादा मांगता है बेलने के लिए। बिना बेसन वाले डो को बेलेंगे तो उसमें सूखा आटा कम लगेगा। इसे जब बेलेंगे तो आपने बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना, पापड़ की तरह नहीं करना और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं बेलना। मैं इसे लगभग 6 से 7 इंच के डायमीटर का बेल लूँगी। यहाँ क्लोजअप में देखिए मैंने इसकी कितनी थिकनेस रखी है। अभी मैं कुछ एक थेपले बेल कर साइड में इकट्ठे कर लूँगी और फिर एक ही बार उन्हें फ्राई करूँगी। यहाँ मैं ये दूसरा थेपला बेल रही हूँ और बिल्कुल जैसे रोटी को बेलते हैं उसी तरह से बेलना है। रोटी के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो बराबर प्रेशर लगाते हैं, लेकिन जब थोड़ी सी बड़ी हो जाती है तो हम सेंटर पर प्रेस नहीं करते, सिर्फ बाहर बाहर की तरफ बेलन से प्रेशर लगाते हैं। बस सेम इसके लिए करना है। यहाँ मैंने 5 थेपले अभी बेल कर रेडी कर लिए हैं, इन्हें अभी कुक करते हैं। और ये देखिए क्योंकि इस आटे में तेल डला हुआ होता है तो ये आपस में चिपकते भी नहीं हैं, बहुत ईजीली आप एक के ऊपर एक रख सकते हैं। आपको अगर रोटी पराठा बनाने की हैबिट है तो फिर तो आप साथ साथ बेलते जाएं, साथ साथ कुक भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने तवा गरम कर लिया है मीडियम हीट पर और इसी हीट पर अब इसे हमने कुक करना है। कम हीट नहीं करनी है, नहीं तो थेपले सूख जाएंगे, और हीट बहुत तेज़ भी नहीं करनी है, नहीं तो फिर थेपला जल जाएगा। ऑलमोस्ट 30-40 सेकेंड के बाद नीचे वाली तरफ से हल्की हल्की सी ब्राउनिंग शुरू हो जाती है, इसी टाइम पर पलट देना है। ज़्यादा ब्राउन होने की वेट नहीं करनी कि आप सोचें कि नीचे वाला ज़्यादा कुक हो जाता, पलटे नहीं। हमने सॉफ्ट थेपले रखने हैं तो उसके लिए हल्की ब्राउनिंग पे ही पलटना ज़रूरी है। बस ऑलमोस्ट 30 सेकेंड्स के बाद आप देखेंगे दूसरी तरफ से भी हल्की सी ब्राउनिंग हो जाएगी। ये देखिए बस इस टाइम पर हमने इसे फ्राई कर लेना है। थेपला बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बेला जाता है इसीलिए बहुत जल्दी कुक भी हो जाता है। यहाँ मैंने एक साइड पर थोड़ा सा तेल लगा दिया है। अब इसके लिए घी ना इस्तेमाल करें, तेल से ही फ्राई करें क्योंकि हमने इसे लंबे टाइम के लिए रखना है, घी जम जाएगा। और जैसे हम पराठे को कहते हैं कि बहुत ज़्यादा स्पैचुला से दबाते हैं क्रिस्प करने के लिए, वह चीज़ हमने थेपला के लिए नहीं करनी। ये दूसरी तरफ भी मैंने तेल लगा दिया है और अब इसे पलट पलट कर मैं दोनों ही तरफ से फ्राई कर लूँगी। और ये देखिए हमारा थेपला है तैयार। अभी जिस तरह से स्पैचुला पे पकड़ा हुआ है उसी से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना सॉफ्ट है, कैसे ये बेंड हो रहा है, सॉफ्ट बना है। और यहाँ देखिए क्योंकि तिल डला हुआ है तो देखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं, खाने में तो टेस्टी है ही। अब ये सारे ही थेपले मैं बनाकर इस कैसरोल में इकट्ठे करती जाऊँगी ताकि सूखे नहीं। अभी बात करते हैं कुछ टिप्स की। जैसे मैंने कहा इंग्रेडिएंट्स में किस तरह से चेंज आ सकता है। आप इसके आटे में डाल सकते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट या फ्रेश धनिया या धनिया पाउडर भी डाल सकते हैं, हरी मिर्च का पेस्ट भी डाल सकते हैं। अगर लहसुन ज़्यादा डालेंगे तो वह बन जाएगा लहसुनी मेथी थेपला। अगर आप थेपले बिल्कुल फ्रेश खाने लगे हैं तो आप इन चीज़ों में से जो भी चीज़ ऐड करना चाहते हैं रेसिपी में आप ऐड कर सकते हैं। आप किसी और तरह का आटा भी डाल सकते हैं, मल्टीग्रेन आटा भी डाल सकते हैं, चाहे तो बाजरी का आटा भी थोड़ा सा मिक्स कर सकते हैं। अब यह है अगर आप फ्रेश खा रहे हैं, लेकिन अगर आप रखना चाहते हैं 3-4 दिन के लिए तो फिर आप सिर्फ गेहूं के आटे से ही बनाएं। उसके अलावा सीजनिंग्स वगैरह जो मर्जी डालें, मसाले जो मर्जी डालें, लेकिन आटे में आप सिर्फ गेहूं का आटा लें, बेसन भी ना डालें। बेसन या किसी और तरह के आटे से बना हुआ फिर वह लॉन्ग टर्म में थोड़ा ड्राई हो जाता है, उतना सॉफ्ट नहीं रहता। अगर आप थेपलों को लंबे समय के लिए सेव करना चाहते हैं, स्टोर करना चाहते हैं, चाहे घर के यूज़ के लिए चाहे सफ़र पर ले जाने के लिए, तो आप आटा गूंथते टाइम गेहूं का आटा इस्तेमाल करें केवल, और दही ना डालें, तेल एक्स्ट्रा डाल लें, तो पूरी सॉफ्टनेस तेल से ही आएगी और उससे ज़्यादा टाइम तक चल भी जाते हैं थेपले। इन्हें लंबे टाइम के लिए स्टोर करने के लिए फ्रिज में रखें, 10 से 15 दिन तक ये बिल्कुल ठीक रहते हैं, और अगर फ्रीज़र में रखेंगे तो 2 से 3 महीने तक ठीक रहेंगे। सफ़र पर ले जाने के लिए एक और बहुत ही बढ़िया तरीका है इन्हें वैक्यूम सील करके ले जाने का। आप घर पर थेपले बनाएं, उन्हें ठंडा करें और फिर लेकर जाएं पड़ोस के किसी बड़े हलवाई के पास। उसके पास फूड ग्रेड पैकेट भी होते हैं पैकिंग के लिए और वैक्यूम सील करने की मशीन भी। इनकी पैकिंग करा लीजिए 10-10 थेपलों की या 20-20 की या 50 की, अपनी ज़रूरत के अनुसार। वैक्यूम सील की वे थेपलों में हवा नहीं लगेगी तो वे जल्दी ख़राब भी नहीं होते। फ्रेंड्स, ये मेथी थेपला बनाएं और इन्जॉय करें इन्हें आम के छुंदे के साथ या आम के अचार के साथ। सूखी सब्जी के साथ भी ये बहुत टेस्टी लगते हैं, आलू की सब्ज़ी हो या गोभी की सब्ज़ी हो, बंद गोभी की सब्ज़ी हो, दही के साथ या और कुछ नहीं तो एक कप चाय के साथ।
लंबे सफर पर ले जाना हो तो अचार तो है ही। तो फ्रेंड्स, ये तो हुई मेरी टिप्स मेथी थेपला बनाने के लिए। मुझे उम्मीद है आपको इनमें से कुछ ना कुछ तो ज़रूर यूज़फुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, मेरे टिप्स पसंद आए हैं, तो प्लीज़ याद से इस वीडियो को करें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब। जब आप वीडियो को लाइक या कमेंट करते हैं, तभी यूट्यूब उन्हें आगे और वीडियोज़ को आगे और प्रमोट करता है, तो ये मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने अभी तक पूनम्स किचन को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन याद से क्लिक करें, ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। आपसे जल्द ही मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।